जय हिंद प्यारे बच्चों, ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बेटा जैसा कि आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम लगा हुआ है, आप लोग जुड़ जाओ प्रैक्टिस सेट में और मेहनत करो और अपनी जॉब को कंफर्म करो। आप लोग मेहनत करेंगे रीजनिंग में या जीएस में या मैथ में, सारे वीडियो को लाइक और शेयर करो। और मेहनत जरूरी है इस टाइम, आप लोगों को प्यारे बच्चों सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। चलो बात करते हैं पार्ट नंबर 9 की और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है जी का 7 होता है और जे का 10 होता है और पेन का 35 होता है। दो इसका रियल नंबर 7 होता है और इसका भी रियल नंबर 7 होता है, तो पेन का होता है 16 और ई का होता है 5 और एन का होता है 14। अब हमने इनको फॉलो करेंगे, 14 और 16 हो गया 30, 30 और 5 हो गया 35। हमें करना इसका है व्हीकल का, तो ध्यान दें वी ई एच आई और उसके बाद सी एल ई, ये लिखा है। वी का होता है नंबर 22 प्यारे बच्चों, इसका 5, इसका 8, इसका 9, इसका होता है 3 और इसका होता है 12 और इसका 5। बोलो क्लियर हुआ। नंबर को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 22 और 8 28, 28 और 5 35, 35 और 9 44, 44 और 3 47, 47 और 5 52, 52 और आपके पास लिखा है 12, 52 और 12 को जोड़ेंगे तो 64 बनेगा प्यारे बच्चों, 64। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हुआ, इनके रियल नंबर को जोड़ा गया। ये कोड डिकोड है प्यारे बच्चों, कोड डिकोड को बहुत ध्यान से पढ़ के चलना, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा जीडी में। लिखा है एक पुस्तकालय में केवल एक शब्दकोश है जिसका उपयोग 6 छात्र पी क्यू आर एस टी यू एक एक करके करेंगे, एस क्यू के तुरंत बाद उपयोग करता है, यानी क्यू के तुरंत बाद कौन उपयोग करता है, एस करता है, तुरंत बाद लिखा है तो तुरंत बाद दिखाना है, और पी से पहले उपयोग करता है, एस जो है वो क्यू के तुरंत बाद और पी से पहले उपयोग करता है, तो पी से पहले यहां पी लिख दिया, कोई समस्या नहीं है। अच्छा टी आर के तुरंत बाद करता है, टी जो है यहां हमने टी लिखा और टी आर के तुरंत बाद करता है, आर के तुरंत बाद लिख लिया, और यू से पहले उपयोग करता है, यू से क्या करता है पहले, ये दो स्टेप हमने बना दी। अब देखो यू क्यू के बाद शब्दकोश का उपयोग करेगा, यानी यू जो है वो क्यू के बाद शब्दकोश का प्रयोग करेगा, कहीं पे भी करे, जरूरी नहीं कि यू यहीं पे लिखा हो, यू यहां पे भी आर आ सकता है, टी आ सकता है, यू तुरंत तो शब्द दिया नहीं है, अगर तुरंत शब्द देता तो हम उसको तुरंत में ले जाते। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले शब्दकोश का उपयोग करेगा, तो सबसे पहले कौन करेगा, क्यू करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ। चलो बात करते हैं उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। यह सीरीज का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पहले देखना यहां पे लेटर की भी पहचान कर सकते हैं, लेटर आता भी है, तो यहां पे दो लेटर हैं, यहां पे तीन लेटर हैं, यहां पे चार लेटर हैं, यहां पे पांच लेटर हैं, तो यहां पे कितने लेटर आएंगे प्यारे बच्चों, 6 लेटर आएंगे। बोलो कितने लेटर, 6 लेटर। अब देखना ए स्मॉल है, बी कैपिटल है, सी स्मॉल है, डी और ई कैपिटल है। देखना अगर मैं पढ़ूं ए बी सी डी ई, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ स्मॉल होना चाहिए, पी कैपिटल होना चाहिए, क्यू कैपिटल होना चाहिए, आर कैपिटल होना चाहिए, एस कैपिटल होना चाहिए, टी कैपिटल होना चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, सीरीज का क्वेश्चन है, लिखा है 5, 9, 17, 33, 66, 129, 257, उस संख्या का चयन करें जो निम्न में से संबंधित नहीं है। यहां पे गलत ढूंढना है, आपको क्या करना है सीरीज में, गलत पहचान करनी है प्यारे बच्चों। कौन सी गलत पहचान, देखो 5 का अगर डबल करें और 1 कम कर दें तो कितना बनेगा 9, अगर 9 का डबल कर दें और 1 कम कर दें तो कितना बनेगा 17, 17 का अगर डबल कर दें और 1 कम कर दें तो कितना बनेगा 33, 33 का अगर हम लोग डबल कर दें और 1 कम कर दे तो बनना चाहिए 65, और यहां कितना लिखा है 66, और 65 का डबल कर दे तो 130, 130 से अगर 1 कम कर दे तो 129, यहां पे बिल्कुल सही है, तो 65 के 66 की जगह कितना आना चाहिए था 65, तो 66 यहां पे क्या है गलत है, 66 आपका रॉन्ग आंसर है। चलो बात करते हैं उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में से अंगली आएगी, अंगली डायग्राम बनाना, यहां एक लाइन, यहां दो लाइन, यहां तीन लाइन, यहां चार लाइन होगी, यहां पांच लाइन, आगे बनेगा पंचभुज, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ। फिर से देख लो, यहां एक लाइन है, यहां दो लाइन, यहां तीन लाइन, यहां चार लाइन, यहां पांच लाइन, आगे आकृति में कितनी बननी चाहिए पंचभुज, इसको नहीं चुनेंगे क्योंकि इसमें 7 लाइनें हो जाएंगी। बोलो क्लियर हुआ। चलो लिखा है क्रिकेट को किसी कोड भाषा में, यह लिखा जाता है उसी कोड भाषा में, फिर कोड डिकोड का क्वेश्चन है, सी आर आई सी के ई टी, ये आपके पास क्रिकेट है और लिखा है आई आर सी सी टी ई
के, बड़ा ध्यान देना भाई मेरे भाई, तीन तीन लेटर, जब मैंने लेटर के सामने लेटर लिखा है तो ध्यान दो, तीन देखना, आई पहले लिखा गया, फिर आर लिखा गया, फिर सी, सी यानी चौथा लेटर सेम लिखा गया, फिर यहाँ टी, फिर ई, फिर ये क्रॉस किया गया है। बोलो जब ऐसा क्रॉस किया जाएगा वही गेम प्लेयर में करेंगे, प्लेयर में, तो देखो कैसे करेंगे, पी एल ए वाई ई आर एस, तीन लेटर चेंज करने, पहले ए एल पी और फिर बाई सेम लिखना एस आर ई, ये ऑप्शन होना चाहिए, ए एल पी बाई, ए एल पी वाई, ए एल पी वाई एस, तो एस ई आर लिखा है तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ए एल पी बाई एस आर ई, ये ऑप्शन क्या हो गया, सही, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही, तीन तीन को बस क्रॉस करना था प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो उस वेन डायग्राम का चयन करें जो दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दिखाता है, सर्वोत्तम ढंग से दिखाना है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, लिखा है फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये तीनों बॉलें हैं और तीनों बॉलें होती हैं, तीनों अलग अलग की होंगी, तीनों गेमों में अलग अलग आती हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, बी आंसर राइट हो गया, तीनों गेंदें अलग अलग आकार की होंगी। चलो क्लियर हुआ, उस पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी सीट दी गई है, बिंदी बिंदीदार रेखा के साथ पारदर्शी सीट को मोड़ने पर पैटर्न में कैसा दिखाई देगा, ये जो है और ये डॉट डॉट लगाया गया, अब ये डॉट डॉट का मतलब देखना कि ये तो हमारा मध्य में है, लेकिन डॉट डॉट देखो सब में डॉट डॉट ऊपर दिया गया, हर किसी डायग्राम में, जब हर किसी डायग्राम में ऊपर डॉट डॉट दिया जाता है तो इसका मतलब ऊपर से डायग्राम नीचे की ओर आया होगा, अब जब नीचे की ओर आएगा प्यारे बच्चों तो ये लाइन यहीं पे क्लियर होगी और ये लाइन इधर भी क्लियर होगी, तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है, यहां देखो ये लाइन डार्क बन गई है, ऑप्शन गलत हो गया, यहां ट्रायंगल बन गया, ऑप्शन गलत हो गया, ये भी बनेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर है, ऐसे ही अगर आप स्कैन करेंगे अपने रीजनिंग को तो बहुत जल्दी आसान से क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, समय भी कम लगेगा। दिए गए कथनों में दो निष्कर्ष एक और दिए गए हैं, मानते हुए कथनों को दी गई जानकारी के सत्य, भले ही वो सर्व ज्ञात तत्वों के भिन्न प्रतीत होते हों, यानी यहाँ पे काल्पनिक हो, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं रहता है, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें कथन से मतलब है प्यारे बच्चों। सभी आम क्या है, सभी आम जो है वो सेब है, सॉरी सभी सेब आम है, सभी सेब क्या है, आम है, तो तुरंत ऐसे गोला बनाएंगे और आम लिख लेंगे। जो लोग 50 और 100 से भी सीखते हैं उनका भी आंसर राइट जाता है, वो भी ध्यान दें, कोई भी आम रास्ता नहीं है, कोई भी आम रास्ता नहीं है, कोई भी जो आम होगा वो रास्ता नहीं है, क्या नहीं है, रास्ता नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा दें, यानी इसका बिल्कुल संपर्क नहीं होना है, जब रास्ता का संपर्क आम से नहीं होना है तो रास्ता का संबंध क्या सेब से होगा, नहीं, इसी टाइप को बेटा बोलते हैं, जो मेरा दुश्मन, जो मेरे बाप का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। बोलो क्लियर हुआ, यानी ये जो मेरे बापा का दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा, उससे दोस्ती नहीं कर सकते हो, ना आल ना सम के लिए। अच्छा निष्कर्ष देखते हैं, सभी आम सेब है, सभी आम, आम बाहर है, अंदर क्या है सेब, बाहर वाला कुछ भाग अंदर वालों के लिए होता है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत, कोई भी सेब रास्ता नहीं है, जब वो मेरे पापा का दोस्त नहीं हुआ तो मेरा भी दोस्त नहीं हुआ, ये बात क्या हो गई, सही, कोई भी सेब रास्ता नहीं है, ये कथन नंबर दो क्या हो गया, फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन करेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ, लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है, श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला को संबंध में सही विकल्प का चयन करें। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा एक, फिर लिखा 11 और फिर लिखा है आपके पास 31 और फिर लिखा है 61, फिर लिखा है 101 और फिर लिखा है 51, फिर लिखा है 211, फिर 281 और 261, ये हमारे पास क्वेश्चन बना हुआ है और इसमें बोल रहा है कोष्टक में रखी गई संख्याएं सही है, पहले कोष्टक में रखी गई बाएं से गलत है और दूसरी सही है, पहले कोष्टक में ये विकल्प दिए गए, पहले तो ये सीरीज जो बन रही है प्यारे बच्चे इसको फॉलो करेंगे। देखो फॉलो करने का मतलब है, एक और 11 में अंतर कितना है प्यारे बच्चे, 10 का, 11 और 31 में अंतर कितना है 20 का, 31 और 61 में अंतर कितना है 30 का, अब यहाँ पे अंतर होना चाहिए 41 का, तो सॉरी 40 का, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, 40 का अंतर है। अब देखो पहले ब्रैकेट में कोष्टक में बाएं से गलत है, ये तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे तो 101 सही है। अच्छा फिर होना चाहिए अंतर 50 का, तो 50 हमने लिख लिया, फिर अंतर होना चाहिए प्यारे बच्चों कितना 60 का, अगर हम लोग 150 में अगर 60 जोड़ दें, 101 में सॉरी 60 जोड़ दें, तो यहाँ एक, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे
211 भी सही है। अगर 211 में मेरे भाई 70 जोड़ दे, कितना जोड़ दे 70, तो 211 में 70 जोड़ूंगा 281, 281 भी क्या है प्यारे भाई सही है। और 281 में अगर हम लोग 70 जोड़ा था 80 जोड़ दें तो यहाँ 1 यहाँ 6 यहाँ 361, ये भी क्या है संख्या सही है। तो अब हमें ढूंढना है ब्रैकेट में रखी गई संख्याएं, दोनों संख्याएं गलत हैं ये नहीं होगा, कोष्टक में रखी गई दोनों संख्याएं सही हैं ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। बोलो क्लियर हुआ, बोलो कंफर्म है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पे डिफरेंट कितना था 80 का, सब डिफरेंट सेम है, संख्याएं सेम है, तो कोष्टक में जो संख्या रखी गई है वो बिल्कुल ही क्या है सही है, नियम को फॉलो कर रही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से असंगत छाटना, असंगत छाटना है, ये लिखा ए और ये लिखा टी, इसका एक नंबर होता है इसका 20 होता है, डिफरेंट कितना आएगा प्यारे बच्चों 19 का, बोलो कितना डिफरेंट आया 19, ये लिखा बी और ये लिखा बी, ये है 2 ये है 22, डिफरेंट कितना आया है 20 का, ये लिखा है आपके पास जी और ये लिखा है जेड, अब ये 7 है ये 26 है, डिफरेंट कितना आया है 19 का, ये लिखा है डब्ल्यू यानी डी और डब्ल्यू, ये है 4 और ये है 23, डिफरेंट कितना आया 19 का, इसमें डिफरेंट 19 का है, इसमें डिफरेंट 19 का है और इसमें भी डिफरेंट 19 का है, डिफरेंट V और V में डिफरेंट कितना मिला 20 का, तो ये ऑप्शन क्या हो गया अलग। इनके रियल नंबर हमेशा प्यारे बच्चों लिखना, और यहां पे वोवेल और कंसोनेंट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां वोवेल और कंसोनेंट दिए गए हैं, एक अक्षर देख के वोवेल मत पहचानिएगा, रियल नंबर दिखिएगा, डिफरेंट करिएगा, फिर उसमें देखिएगा इवन ऑड नंबर क्या बन रहा है। बोलो क्लियर है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बेंच पर 4 छात्र हैं, अच्छा एक ये बेंच मान ली और इस पे कितने छात्र हैं 4 छात्र हैं, और लिखा है बरद गुनाह के बगल में बैठा है, जो बरद है वो गुनाह के बगल में बैठा है, तो अगर बरद को हम यहाँ पे बैठा दें और ये गुनाह के बगल में है, देखो लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं बोला गया, गुहान के बगल में है, तो गुहान हमने यहाँ शब्द लिखा और इसके बगल में बैठा है, लेकिन राजेश के बगल में नहीं, राजेश के बगल में नहीं, तो राजेश यहाँ नहीं दिखा सकते, राजेश कहाँ दिखा सकते हैं बोलो यहाँ दिखा सकते हैं, जो बरद होगा वो राजेश के बगल में नहीं होना चाहिए, यदि राजेश नारेज के बगल में नहीं है, ये भी शब्द है राजेश नारेज के बगल में नहीं है, तो नारे कहां हो गया, नारेन यहां हो गया, बोलो क्लियर हुआ। अब देखो भरत गुहान के बगल में है लेकिन राजेश के बगल में नहीं, नारेन राजेश के बगल में नहीं है, निम्न तोर नारेश के सटे, नारेश के सटे सीटों पर कौन बैठा, नारेश के सटे सीट पर कौन बैठा, भरत बैठा है, जो कि ए सर राइट आंसर, बोलो क्लियर है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखो जिस तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ा जाता है इसी तरीके से आप पेपर में भी एक बार अगर आपका आंसर कंफर्म हो जाए तो आप बिल्कुल तुरंत अगले क्वेश्चन की तरफ भागिएगा, उसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे तभी क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करना, ये 3 पार्ट भरे हुए हैं, एक पार्ट हमको भरना है, देखो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये ऑप्शन होगा नहीं, सही पार्ट अगर भरना है तो अगर मैं इसको डॉट डॉट लगा के ये ले आऊं और इसको ऐसे कर दूं तो ये ऑप्शन किस में मिला, ऑप्शन नंबर बी में मिला, जो कि राइट आंसर है। चलो एक दिए गए कथनों में निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथनों को में से कौन सा तार्किक रूप से कथन अनुसरण करता है, देखो कथन है और ये आपके कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक अधिकारी श्री एक्स पर दूसरे लोगों के एक समूह के साथ सॉफ्टवेयर कंपनी जेड में भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल होने का आरोप है, यानी एक अधिकारी है और श्री एक्स के दूसरे लोगों के समूह के साथ सॉफ्टवेयर कंपनी जेड में भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल होने का आरोप है। निष्कर्ष कह रहा है नंबर एक, श्री एक्स सॉफ्टवेयर कंपनी जेड का एक भ्रष्ट अधिकारी हो सकता है, भाई भ्रष्ट अधिकारी हो सकता है ये कंफर्म तो नहीं है, श्री एक्स सॉफ्टवेयर कंपनी जेड में भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल नहीं भी हो सकता है, अगर उसके ऊपर आरोप अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है, आरोप हो भी सकता है आरोप नहीं हो सकता है, तो आइदर आर का केस बनेगा प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। कभी भी ऐसा हो कि एक बार होना बोले एक बार ना होना बोले और कथन और निष्कर्ष हो तो तुरंत चुन लेना प्यारे बच्चों, आइदर आर का केस है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है जबकि एक अलग है, विषम छाटना क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भिन्न करना, अलग करना, समान करना, भेद करना। अच्छा भेद करने का मतलब है उसको भी तोड़ना, अगर अलग करना का मतलब अलग कर दिया, और भिन्न करना, भिन्न करना का मतलब भी अलग करना होता है, समान करना ये बात, इक्वल करना ये बात क्या होगी अलग होगी, जो कि आपका राइट आंसर हो गया। इन क्वेश्चनों पर थोड़ा ध्यान देके जाइएगा पेपर में। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है 12 रेशियो 134 डबल रेशियो
16 रेशियो डैश। सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो इनके वे एक बार ऑप्शन देख लेना कि ये समथिंग आंसर क्या होंगे। 264, 256, 265, 246 सब स्क्वायर के करीब में नजर आ रहा है। तो चलो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 144, 144 से अगर 10 घटा दें तो 134, ऐसे 16 का स्क्वायर करेंगे 256, अगर 10 घटा दें तो कितना आएगा 246। बोलो ऑप्शन है 246, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर हुआ। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शब्दों के चार युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन युग्म किसी ना किसी प्रकार से समान है जबकि एक युग्म भिन्न है। असंगत छाटना है, असंगत छाटना है। देखो गुड़, गन्ने से क्या बनाया जाता है, गुड़। अच्छा भोज, धातु अयस्क का क्या होता है, धातु। तंतु का धागा यानी आयरन। भोजन आमलेट, भोजन आमलेट नहीं होता, अंडे का आमलेट होता है। बोलो क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका राइट आंसर है, कंफर्म है। चलो आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ऐसी एक डायग्राम बनी है और इस डायग्राम को आपको इसमें ढूंढना है। बोलो क्लियर करेंगे। इसमें तो दो ट्रायंगल है, ऐसा कभी इसमें ढूंढ ही नहीं पाओगे, इसमें भी आप नहीं ढूंढ पाओगे। और ये जो डायग्राम बना है ये सिर्फ यहीं तक दिखाया गया है और हमें चाहिए आपका लेफ्ट राइट और ये पूरा एंगल चाहिए, ये छोटा बनाओ। देखो अगर मैं डायग्राम को इसको ले आऊं यहां तक और ये बना दूं, बोलो, तो सेम डायग्राम इसमें मिल रहा है जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो गया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप है। अच्छा बैरोमीटर, वायु दाब का अगर मात्रक देखें तो बैरोमीटर है। घड़ी समय को दिखाता है, कफ चाय को नहीं बताता है, और कफ चाय और विद्युत धारा ऑडोमीटर और पानी बोतल। अच्छा इसमें युग्म के समान हमें ढूंढना, अनुरूप ढूंढना है। तो ध्यान दो मेरे भाई, घड़ी हमेशा क्या बताती है, समय को बताती है। तो यह बात क्या होगी आपके पास, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि क्लियर आंसर है। देखो कफ में हमेशा चाय, ऐसा तो नहीं कफ में चाय कॉफी भी हो सकता है। विद्युत धारा ऑडोमीटर, ये इसका मात्रक ही नहीं है मेरे भाई। पानी में बोतल, पानी में कुछ भी रख सकते हो। तो घड़ी हमेशा समय को ही बताएगी, तो ये ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, सही हो गया। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पंक्ति में पांच अलग अलग रंग के घर हैं। अच्छा पांच रंगों के अलग अलग घर हैं, रंगों के नाम दिए गए हैं पीला, नीला, सफेद, गुलाबी और हरा। पीला घर नीले रंग के दाईं ओर और हरा रंग। अच्छा यहां से कंडीशन चालू हो गई है। देखो पीला घर नीले रंग के दाईं ओर है। अच्छा यहां पे ध्यान देना, अगर मैं नीला यहां लिख लूं तो पीला नीले के रंग के दाईं ओर है, नीले रंग के दाईं ओर है पीला, तो हमने यहां पीला बैठा दिया, कोई समस्या हुई। हमेशा देखना अगर मैं ये हूं तो मेरा राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये, इसी के अकॉर्डिंग सवाल लगाया जाता है। और कह रहा और हरा घर सफेद घर के बाईं ओर है। हरा घर, अगर मैं यहाँ पे हरा लिख लूं और हरा घर किसके बाईं ओर है, सफेद घर के बाईं ओर है। अगर मैं यहाँ सफेद लिख दूं, अलग अलग कंडीशन दिखाए हूं, सफेद के बाएं क्या हो गया हरा, और पीले घर के दाईं ओर है, और पीले घर के दाईं ओर है। अच्छा पीला मैंने यहां दिखाया था, पीले के बगल में मैं हरा लिख दूं और हरे के बाद में यहां सफेद लिख दूं, बोलो कोई समस्या हुई। और पीले घर के दाईं ओर है, नीला गुलाबी के दाईं ओर है, नीला किसके दाईं ओर, गुलाबी के दाईं ओर। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहां गुलाबी लिख दूं, गुलाबी का दायां अगर मैं यहां पे हूं, गुलाबी का दायां ये, नीले का दायां ये पीला, और पीले का दायां हरा, हरा का दायां सफेद। बोलो यहां पे ये क्लियर हुआ जाके सिचुएशन, 1 2 3 4 5 इस कंडीशन से कोई मतलब ही नहीं था। अगर एक बार आप पढ़ोगे तो अच्छे से कर ले जाओ। कौन सा घर मध्य में है, तो मध्य में कौन सा घर मिला है, पीला, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। प्यारे बच्चों आप लोग मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन ना आए वो टेलीग्राम गुरुकुल चैनल में उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो, आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।